गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फिफ्थ की रिवीजन वर्कशीट सिखाने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो उसमें फर्स्ट देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो उसमें है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप से कोई अलग डिश बनाना चाहता था कि वो फेंक देना चाहता था। आपने वंडरफुल वेस्ट पढ़ा होगा, तो वो फॉल्स है क्योंकि वो तो वेजिटेबल्स मतलब जो कटी हुई सब्जियाँ थी उसको, वो कटे हुए जो सब्जी थी वो उसको फेंक देना चाहता था, है ना। वो ऐसा सोच रहा था। द किंग हैड ऑर्डर, किंग ने पैलेस में डिनर के लिए ऑर्डर किया था, तो वो यस। No one had heard of or tasted avial before. तो किसी ने पहले ये जो डिश बनाई थी वंडरफुल वेस्ट में, जो डिश का नाम था एवियल, वो टेस्ट की थी या किसी ने उसका नाम सुना था? तो वो आएगा आंसर पहले नो, तो वो किसी ने नहीं सुना था। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? एफ आएगा, राइट। यहाँ पे एफ आएगा, वो गलत है। फिर महाराजा एंटर द किचन टू ईट फूड। महाराजा वो किचन में फूड मतलब खाने के लिए एंटर हुए थे, तो फॉल्स। वो तो सिर्फ सर्वे के लिए एंटर हुए थे, है ना। आफ्टरनून में वो गए थे और वो देख रहे थे कि कैसा खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट। वो भी वंडरफुल वेस्ट का ही है। वी एंजॉय द आइसक्रीम, हम आइसक्रीम कब वो एंजॉय करते हैं? तो समर सीजन में, तो वो है ट्रू। ओके बच्चों, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, आगे देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो ये जो वंडरफुल वेस्ट के बाद ये है, वो उसमें आपको ये उसके बाद की जो स्टोरी थी उसमें ये आपको है कि मैंने आपको सिखाया था बाम्बू करी वाला। तो ये बाम्बू करी वाले है वो कंप्लीट द सेंटेंस कि जो ब्राइड ग्रूम वो कहाँ पे विजिट लेने गया था, उसकी मदर इन लॉ के घर। आपको पता होगा मैंने आपको उसकी सॉल्यूशन भी दी है, है ना। ओके, मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर। वो किसके ऊपर पॉइंट कर रही थी? बाम्बू डोर। ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉ। तो वो किसके साथ वो रात तक वो रुका था? इस मदर इन लॉ, राइट। मदर इन लॉ मतलब उसकी सास, सास को बोलते हैं मदर इन लॉ। फिर ही कैरीड, वो क्या लेके आया था? बाम्बू डोर, आयरन डोर की बाम्बू डोर, तो बाम्बू डोर। फिर द करी वॉज मेड फ्रॉम बाम्बू शूट, बाम्बू शूट में से क्या बनता है? करी, तो उसमें फ्रॉम आएगा, राइट। फिर व्हाट डिड कुक वाइप एंड एडेड टू करी। तो जो वंडरफुल वेस्ट की स्टोरी है उसमें कुक ने जो डिश बनाई थी एविल, उसमें क्या ऐड किया था? तो कर्ड। विच डिश इज ट्रेडिशनल इन केराला फीस्ट, तो वो ये है, इसका नाम है एवियल, राइट। टेक द करेक्ट आंसर के टीम वर्क कैन मेक अवर ड्रीम, इसमें आपको टिक करना है और जो सही है आंसर उसमें लिखना है। महाराजा ने फिर किचन में कब वो गए थे? आफ्टरनून में। फिर रिले रेस जब कब शुरू होती है कि समवन पास द बैटन, ये टीम वर्क का है। फिर वाई वॉज डिश डेकोरेट, उसने जो एवियल की वो डिश बनाई थी जो कुक ने, उसमें क्या उसने डेकोरेट किया था? करी लीव्स, मतलब वो करी लीव्स वो डेकोरेट किया था। आइसक्रीम मैन कब आता है? तो समर में। फिर एवियल वो कहाँ की फेमस डिश है? मैंने आपको सिखाया था वीडियो में, तो केरला में। फिर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग, हम कब अपना ड्रीम सक्सेस कर सकते हैं? कि जब हम एक साथ हो, टुगेदर मतलब एक साथ। फिर विच महाराजा ऑर्डर टू ग्रांड डिनर, तो महाराजा ने वो डिनर ऑर्डर किया था, वो कौन से सिटी के महाराजा थे? तो वो ट्रावनकोर, राइट। फिर आगे देखते हैं, वी शुड पुट अवर आई ऑन अ कॉमन गोल, हमारी आँख के सामने एक कॉमन गोल होना चाहिए, है ना। स्पेशल की कॉमन, तो आएगा कॉमन। फिर वी नीड
नीडेड टू मेक अवर ड्रीम वर्क। तो वो हम ड्रीम वर्क कब कर सकते हैं, जब हम टीम वर्क एक साथ काम करें तभी हमारा ड्रीम वर्क हमें ज़रूरत होती है, टीम वर्क की, ड्रीम को पूरा करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अब ये जो है वो मैच द स्टेट है, उसमें आपको ये मैंने लिखा है कि जो सारे स्टेट की जो ट्रेडिशनल डिश है उसके बारे में। जैसे ये देखो महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है डी, तो वो महाराष्ट्र की है मिसल पाव, तो फर्स्ट का आंसर डी है। सेकंड की पंजाब, तो पंजाब में क्या आता है ये जे, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। फिर थर्ड वो गुजरात, हमारे गुजरात की फेमस आइटम है ढोकला। फिर आंध्र प्रदेश की फेमस आइटम क्या है, तो वो है पुठा रेकुला, ओके ये ई है उसका आंसर। फिर ऐसे ही बच्चों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का सही आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर एफ, तो उसमें ये आएगा कोशा मांगशो। फिर सेवन नंबर कश्मीर, सिक्स नंबर है कश्मीर, कश्मीर की फेमस आइटम है रोगोन जोश। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु की आइटम क्या है पोंगल। फिर आसाम, आसाम की फेमस डिश तो वो क्या है पपाया खार। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की वो जो फेमस डिश है उसका नाम है पपाया, हिमाचल प्रदेश की फेमस डिश उसका नाम है धाम, क्या है वो धाम। और बिहार, बिहार की फेमस डिश है लिट्टी चौका। तो ये स्टेट की जो फेमस आइटम है वो मैंने आपको सिखाई है, वो आपको नोटबुक में लिखने की भी है बच्चों। अब है आगे उसके क्वेश्चन आंसर, आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस। तो व्हाट हैड कुक प्लान्ड, उसने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप में से, द कुक हैड प्लान्ड थ्रो अवे, है ना, उसने वो फेंकने का सोचा था। फिर ये आइसक्रीम मैन का है, क्या आइसक्रीम मैन के कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, वेनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। फिर हम अपने ड्रीम वर्क कैसे हम बनाते हैं, तो वो वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टूगेदर, एक साथ मिलकर ही वो हमें उसको पूरा कर सकते हैं। हु फील्स जॉयफुल, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। वेयर शुड वी पुट अवर आई ऑन, हमारी आँख के सामने एक कॉमन गोल होता है, राइट बच्चों, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड इन द पोयम आइसक्रीम मैन, तो आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड के साथ कंपेयर की गई है, वो बुक में ही आपको मैंने सिखाया है इस क्वेश्चन आंसर में। फिर आइसक्रीम मैन सेलिंग, वो कौन सी दो चीज़ें बेच रहा था वो उसके नाम लिखो, तो वो चिल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम बॉटल ऑफ फ्रॉस्टी फीज। फिर महाराजा वंडरफुल वेस्ट जो स्टोरी है उसमें वो क्या प्रिपरेशन हुआ था, तो वो ग्रैंड फीस्ट का प्रिपरेशन हुआ था पैलेस में। व्हाट डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा वेंट किचन टू सी व्हाट डिश हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। व्हाट कैन टीम वर्क डू, तो टीम वर्क कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। अब ये इसमें सर्कल, तो ये भी ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, वो आपको आता होगा कि जो सब्जेक्ट वो मोहन, ये है प्रेडिकेट, शालिनी सब्जेक्ट वो उसका प्रेडिकेट है, राइट बच्चों। आगे भी है ये आइडेंटिफाई सेंटेंस, तो वो मैंने आपको सिखाया है कि नेपोलियन वॉज अ ग्रेट लीडर, तो एसरेटिव। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव है, कोई भी हम उसके लिए सरप्राइज होते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट, और कोई भी हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट बच्चों। वो पूरी एक्सरसाइज आपको वो ऐसे लिखनी है। फिर पॉइंट आउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो ये चेयर है और वुड वो मटेरियल नाउन है, सॉल्ट वाटर वो मटेरियल नाउन, वैसे ही दिल्ली इंडिया वो पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन, टीम कॉमन नाउन, क्राउड है वो कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको सिखाया है तो वो नाउन वाले चैप्टर में ग्रामर में, कि क्राउड मतलब एक साथ जो भीड़ समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। फिर फार्मर यूनिवर्सिटी वो कॉमन है, फिर मैरी वो नाम है तो प्रॉपर है, फिर नेपोलियन वाटरलू तो वो भी प्रॉपर नाउन है, राइट बच्चों। सो आपको ये समझ में आया होगा, सो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना और सप्लीमेंट्री में अच्छे से आंसर लिखना है। सो बेस्ट ऑफ लक।